हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पतंग उड़ते हुए। तो दोस्तों, मैंने पहले भी ये पतंग एक बार शायद से अपने चैनल पे बना करके दिखाई थी और उड़ा करके, बट यार ये मैं नहीं उड़ा पाया था। तो देखिए, आज मैं दिखाने वाला हूँ कि ये पतंग कैसे उड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। तो दोस्तों देखिए, ये पतंग कुछ इस तरह की दिखती है और ये मैंने खुद बनाई है। देखिए, ये देखिए किस तरीके की दिखती है, और इसके चारों तरफ धागा धागे का आउटलाइनिंग होता है। ये देखिए अपने चैनल का सेल्फ प्रमोशन, और इस पर तीन तीले लगे हुए हैं। देखिए, एक ये तीला लगा हुआ है और एक ये स्ट्रेट वाला और एक ये ऊपर लगा हुआ है। बस तीन तीले लगे हुए हैं, तीनों तीलों के ऊपर कवर्ड है डोरे से और कागज चढ़ा हुआ। हाँ दोस्तों, इस पर काफ़ी लंबी पूंछ होती है उड़ाने के लिए, और अगर आप लोग जानना चाहते हैं पतंग कैसे बनती है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक छोड़ दूंगा उस वीडियो की जिस पे मैंने ये पतंग बना के दिखाई है। तो ट्राई करते हैं अभी। दोस्तों बिल्कुल दोपहर है, 12 बजा हुआ है। तो ये देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ उड़ाने की, और दोस्तों पता नहीं क्यों हवा बदल सी रही है इधर उधर, तो मैं ट्राई करता हूँ शायद से उड़ जाए। तो देखिए, इसकी पूंछ यार डिस्टर्ब कर रही है हमें, जो कि आपस में ही फंस जा रही बार बार, और हवा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पतंग को उड़ाने के लिए काफ़ी तेज़ हवा की ज़रूरत रहती है दोस्तों। और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। मैंने इस पतंग को उड़ा करके दिखाया और ये सच में रियली बहुत ही अच्छी उड़ती है। तो इसकी पूंछ फंस चुकी है, अभी देखते हैं उड़ेगी कि नहीं दोस्तों। ये सही कर लेता हूँ मैं और फिर ट्राई करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हवा थोड़ी सी बदल सी रही है, अब हवा इधर साइड की लगने लगी है, देखते हैं पार करा करके। तो देखिए दोस्तों, शायद से पतंग पार हो रही है धीरे से, लेकिन हवा की स्पीड दोस्तों नहीं खुली हुई है। अगर हवा खुल करके आती तभी हम इसे उड़ा पाएंगे। कम से कम 5 या 6 किलोमीटर पर आवर की हवा चाहिए ही चाहिए दोस्तों, उससे नीचे नहीं उड़ सकती। फिर भी देखिए, हमने कोशिश करके पार करा दी है पतंग। ओ ओ ओ नो दोस्तों, पतंग फंस चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे और फिर शाम को ट्राई करेंगे, तो देखते रहिए आप लोग। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम, और हवा इधर साइड की पूरब की तरफ की बिल्कुल क्लियर से खुल करके आ गई है। तो देखिए, ये रही वो पतंग, हम इसे पार करा लेते हैं, और आप लोग देखिए कितने अच्छे से उड़ रही है दोस्तों। ये देखिए, ओ शिट, फिर से दोस्तों इसकी पूंछ फंस गई है। आप लोग ज़रा वेट कर लीजिए 1-2 सेकंड का, मैं इसे सही कर देता हूँ पूंछ। लेकिन अब दोस्तों ये ज़रूर से उड़ जाएगी, क्योंकि हवा बहुत खुल करके आ गई है और काफ़ी अच्छे से पतंग पार होगी। तो हमने इसकी पूंछ सही कर ली है, और एक बार फिर से इसे आसमान में छोड़ते हैं। थोड़ा सा कैमरा एंगल जो है वो ऊपर का लग गया दोस्तों, इस वजह से मैं इसमें दिखाई नहीं दे रहा हूँ, बट मेरा हाथ दिखेगा आप लोगों को। ये देखिए, इस बार काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और पतंग पार होती हुई, और अब बोलने के लिए कुछ है ही नहीं दोस्तों। आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। पहली बार जब दोस्तों मैंने ये पतंग देखी थी, तो मुझे भी लग रहा था कि यार ऐसी चीज़ कैसे उड़ सकती है, शायद से आप लोगों को भी यही लग रहा हो, बट दोस्तों ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छी उड़ती है। और अगर आप इसे बनाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दी है जिस पर मैंने ये बना करके दिखाई है ये पतंग। तो जाओ और दोस्तों देखो उसे। सो देखते रहिए, मैं पतंग को और पार करा देता हूँ। और अगर दोस्तों आप वीडियो पे नए हैं या चैनल पे पहली बार मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ यार दोस्तों लाइक और शेयर करें तो करें ही अपने दोस्तों के साथ, उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अगर आपको पतंगबाजी पसंद है या पतंगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं,
तो देखिए पतंग पार होती हुई, काफ़ी पार हो गई है। और अभी मैंने इसे दोस्तों काफ़ी दूर तक ले गया था, और जूम करके भी दिखाऊंगा। अभी देखते जाइए आप लोग किस तरीके से उड़ती है, आम पतंग की तरह ही उड़ती है दोस्तों। और दोस्तों मैं इसे इस टाइम पे उड़ा रहा हूँ लगभग 4 से 5 बजे की तरफ, ताकि कोई मेरी पतंग काट ना दे। और सर्दी से ही उड़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे बनाने में हर बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और उड़ाने में तो दोस्तों उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, जैसा कि आप लोगों ने देखा ये पतंग आसमान को जा ही नहीं रही थी, बट अब गई है। देखते हैं क्या है। ये देखिए हमने और पार करा दी दोस्तों, काफी दूर पे चली गई, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए हम जूम कर रहे हैं अब, ये देखिए पूरा जूम कर देंगे दोस्तों कैमरे की मेरे जितनी एफिशिएंसी है। ये देखिए कितनी अच्छे से उड़ रही है, बंधी हुई है दोस्तों ये हमारे जो एयरटेल का डीटीएच लगा हुआ है डिश टीवी उसके साइड पे बंधी हुई है। ये देखिए अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को, मैंने इसे लगा करके बांध दी है आसमान पे और काफ़ी अच्छे उड़ रही है। देखिए जूम आउट कर रहे हैं आप, देखिए कितनी दूर है पता नहीं। ये देखिए पूरा मैंने जूम आउट कर दिया, और ये धागा लोग दिख रहा होगा ये जो बंधा हुआ, देखिए डीटीएस पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।